मॉर्निंग, और ये है मॉर्निंग वाली हैप्पी बर्थडे। लकी लकी गुस्सा है क्योंकि पता है बात नहीं कर रहे हैं, लकी का नाश्ता करा दिया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हो रही है देखो बारिश बहुत ज़्यादा, ठीक है अभी हाँ ये देखो दिख रहा है ना पानी गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे खैर किसी के काम रुकते नहीं हैं, इसका जो काम रहता है वो अपना जाता रहता है। और लकी हमारे गुस्सा है क्योंकि उनको छुछुपोती करने जाना है, उनका टाइम हो रहा है इतना 9:15, ठीक है उनको जाना है। हालांकि इनके लिए मैंने तो यहाँ पर ट्रे डाल के रखा है, अगर इनको करना हो तो कर लें, लेकिन ये करेंगे नहीं, ये छुछु इसको प्रेशर है तभी ये करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। देखो देखो बोल रहा है हाँ हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, लेकिन अभी चलो कोई नहीं भी लेके जाते हैं। देखो नीचे देख ही नहीं रही क्या बोल रहे हैं, चलो चल देंगे चलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। हो गई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बेटा को भी गुड मॉर्निंग नहीं बोला था मैंने। अच्छा ठीक है छुछु करने जाना है, बता रहा छुछु करने जाना है उसको। हैप्पी बर्थडे के मैसेज आ रहे लकी तुम्हारे लिए, मौसी ने कंप्लेन भी किया है, वो भी डाल देंगे, वो तुम भी देखना ठीक है। बेबी हैप्पी बर्थडे बच्चा, कैसे हो सोना? आज मौसी याद कर रही है तुमको सुबह सुबह, तुम्हारी मम्मी कॉल नहीं उठा रही है बच्चा। हैप्पी बर्थडे लकी। तो लकी को पहना दिया है रेन कोट, अभी लकी को मैं घुमा कर आती हूँ फिर मिलती हूँ। ये देखो मेरा बर्थडे बॉय बैठा, बारिश हो रही है ना वो बैठ के लकी मेरा देख रहा है। लकी को बारिश देखना बहुत पसंद है ना चिरकुंजू? ये मेरा बेटा, क्या कबूतर आया क्या बेटा? कबूतर आ गया क्या? पकड़ता नहीं है लेकिन देखेगा भगाएगा खेलेगा। सुबह से बारिश हो रही है, मैं लकी को घुमा के आ गई और देखो अभी तक बारिश हो रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बारिश थमे तो थोड़ा सा मैं जाऊँ मार्केट की तरफ, लेकिन ये तो दिक्कत ये हो रही है ना कि लकी को साथ में लेके मुझे जाना पड़ेगा, लकी मेरा रुकता नहीं है बिल्कुल भी अकेले। मेरा बर्थडे बॉय बेटा है, अरे मेरा लकी को भी मुझे साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे मौसम में लकी को कैसे लेके जाऊँ साथ में, वो पूरा गंदा हो जाएगा तब उसको धोना पड़ता है ना पूरा। देखो भीग गई मैं, लकी को लेके गई थी घुमाने, मुझे लगा लकी को घुमू घुमू करा दूंगी और उसके लिए केक और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लूँगी, लेकिन इतना ज़ोर से बारिश आया जब गए तो मौसम खुला था तो मैंने लकी को रेनकोट नहीं पहनाया। अब इसको केक आ गया है, ये देखो लकी का केक और गिफ्ट मैंने मंगा ही लिया फाइनली। लकी का केक कहाँ है, कहाँ है केक, कहाँ है केक, ये चल रहा कहाँ है केक लकी, आओगी बेटा? केक केक काटेगा, केक को चलो अभी काटते ठीक है, तब तक लकी को रेडी शेडी करते हैं। तो ये देखो मेरा लकी एकदम रेडी शेडी हो गया है ड्रेस पहन के, अच्छा लग रहा है लकी मेरा, कैसा लग रहा है? लकी ने देखो टाई भी लगा लिया है ना। लकी बराबर ध्यान देता है कि घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, देखो ये घर के गार्जियन है चेक करने आए क्या कर रही है मम्मी। केक को काटेंगे ना, केक को रख दिया ना, चलो ऊपर चलो केक को काटेंगे, कहाँ जा रहे हो, केक को कैसे काटोगे फिर, आओ तुम्हारा चलो केक को काटेंगे, तुम्हारा बर्थडे भी है, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। हाँ जम 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 हाँ जम गुड। देखो मेरा लकी एकदम तैयार है केक काटने के लिए, ये देखो मेरा बेटा एकदम रेडी हो गया है केक काटने के लिए। तो अब टाइम आ चुका है लकी के केक कटिंग का, तो मैं लकी से बोल रही थी कि चलो मेरे को भी बैठने दो, चलो साथ में केक लकी का कटाते हैं। तो लकी जो है ना वो गुस्सा हो गया था, वो अपने पापा का वेट कर रहा था पूरे दिन से, उसके पापा आए नहीं, तो देखो कैसे नखरे दिखा रहा है वो बच्चों के जैसा कि नहीं मैं काटूंगा ही नहीं, पापा चाहिए ऐसा। तो मैंने उसको फिर मनाया प्यार से, मैंने बोला अभी तुम्हारी पापा से वीडियो कॉल पर बात कराऊंगी, और लिटरली उसने मेरा हाथ भर लिया गुस्से में कि मेरे से ज़बरदस्ती मत करो। तो फिर लकी को मैंने मना मना के लकी का केक कटवाया प्यार से, फिर लकी ने खैर केक काटा, फिर मैंने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। और अब तो हैप्पी बर्थडे का केक कट गया है, ये है आप लोगों के लिए, और हम पहले खिला देते हैं लकी को। वैसे इतना तो लकी नहीं खाएगा ठीक है, उसको सिर्फ ऐसा थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे, बाकी उसको पनीर खिलाते हैं ना। मैं कोशिश कर रही थी लकी को केक खिलाने का, नहीं खा रहा था तो नहीं खा रहा था, फिर थोड़ा सा उसको ऐसे मैंने चटा दिया शगुन के तौर पर। तो केक देखो जैसे मैंने काट दिया निकाला इतना था, लेकिन लकी को खिलाया नहीं है। अब देखो लकी को खिलाते हैं हम लोग पनीर खिलाते हैं। हैप्पी बर्थडे लकी, देखो इसको कुछ नहीं खाना रहता यार, मेरा बच्चा पता नहीं कैसा है, इसको किसी ये खा रहा है पनीर खा रहा है, चलो अच्छी चीज़ खा रहा है एटलीस्ट अपने बर्थडे में ना। और जो डॉग केक होता है ना वो लकी बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसके लिए हम नहीं लाते हैं। तो पहले चलिए कराते हैं लकी को उसके पापा से बात, क्योंकि वो बहुत मिस कर रहा है उनको। फिर मैंने लगाया लकी के पापा को वीडियो कॉल, क्योंकि लकी से बात करानी थी, खैर वो भी मिस कर रहे थे लकी को मेरे से बात, क्या हो रहा है बोलते लकी को दिखाओ, तो फिर मैंने वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने लकी को विश किया, फिर लकी थोड़ा सा खुश हुआ अपने पापा को देख के बात करने के बाद में। अब टाइम आता है लकी को उसका बर्थडे गिफ्ट देने का, वैसे तो लकी अपने पापा के दिए हुए गिफ्ट पर ही बैठा है, लेकिन लकी का बर्थडे गिफ्ट मम्मा की तरफ से। आ जाओ
चलो अच्छा पीछे चलो चलो बेडरूम में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ पीछे, चलो 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 अली चलो 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 चलो। फिर लकी खेल ही रहा था उसी टाइम पे, फिर नीलेश का मेरे को कॉल आया, बोले लकी को मेरे को दिखाओ, वो भी मिस कर रहे हैं, लकी को नीलेश भी बहुत चाहते हैं और लकी भी नीलेश को बहुत चाहता है। फिर लकी का नीलेश से भी वीडियो कॉल पे बात कराया, तब लकी खेल रहा था, फिर नीलेश ने भी लकी को विश किया और प्यार से बात किया, तो लकी फिर और ज़्यादा खुश हो गया। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला कि हम लकी को खुश कर सके। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था, एक्चुअल में जो लकी को पसंद आता है वो हम बहुत जल्द करने वाले, जिसमें उसकी पूरी फैमिली मतलब मैं नीलेश और लकी के पापा सब साथ में रहेंगे। थोड़ा सा लकी खुश है, उनको बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है, टाई वाई पहन के घूम रहे हैं, देखो कैसे चिकू 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 कर लाया, ये कौन आया कौन आया। अभी काजल आई थी उसको दिया केक, तो गुस्सा कर रहा है, किसी को बोलता देने का नहीं कुछ भी, इसका सामान किसी को कुछ नहीं देने का, ये अकेले ही खाएगा, चल जल्दी गंजा कहीं का। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब टाइम मिला है मुझे केक खाने का, तो लकी को भी अब खाना है। जब खिला रही थी तब देखो नहीं खा रहा था ना, ये बहुत नौटंकी बाज है। फिर थोड़ा लकी को केक खिलाया मैंने, उसके बाद में आप लकी का ड्रामा देखो, लकी ना बिग बॉस डेली देखता है, मतलब मैं पीछे हो जाती हूँ, वो बैठ बैठ के लेट लेट के मतलब देखता है बहुत गौर से, बिग बॉस जो है ना पूरा बिग बॉस लकी देखता है, एक भी उसका वो मिस नहीं करता है। फिर उसके बाद मैंने मंगाया पिज्ज़ा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, फिर मैंने कुछ बनाया नहीं, फिर मैं से बाहर से ही खा